नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन और डीलिंग मशीन के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। आज मिलिंग मशीन के ऊपर के कुछ वीडियो देखना है। उसमें दो टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक है कि पैरेललिज्म ऑफ द क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द वर्क टेबल। आपका ये जो वर्क टेबल रहता है जहाँ पे आप जॉब माउंट करते हैं, उसका क्या करना है, आपको पैरेललिज्म चेक करना है ये केस में। और ये जो केस है पैरेललिज्म ऑफ द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द वर्क टेबल टू द मेन स्पिंडल। आपका ये जो मेन स्पिंडल है इसमें ट्रांसवर्स मूवमेंट में आपका पैरेललिज्म चेक करना है और इसमें लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट में चेक करना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट कौन सा है और ट्रांसवर्स मूवमेंट कौन सा है। कंसिडर करिए, ये जो आपका ये चौक है, ये चौक आपका अरबार है जहाँ पे आप कटर माउंट करने वाले हो, और नीचे जो ये मेरा डस्टर है इस ये आपका टेबल है। अगर टेबल ये मूवमेंट में ट्रैवल करता है तो ये आपका लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट है, और टेबल अगर आपके कैमरे की तरफ आ रहा है और मेरी तरफ आ रहा है तो ये कौन सा मूवमेंट है, ट्रांसवर्स मूवमेंट है। ठीक है, ये दो मूवमेंट आपको याद हो गई। अभी पहली केस देखते हैं, आपका पैरेललिज्म ऑफ द क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द वर्क टेबल इन लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। एक तो आपका स्ट्रेट एज रहेगा और फिर डायल इंडिकेटर और वी ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा आरबार था या मैंने मैंड्रिल लगाया वहाँ पे, मैंड्रिल को क्या किया मैंने नीचे वी ब्लॉक टच किया, और जो डायल इंडिकेटर का पॉइंटर था मैंने क्या किया वर्क टेबल को टच किया, फिर प्रेशर वगैरह अप्लाई किया उस पर, और फिर ये टेबल का क्या किया मैंने मूवमेंट किया ये डायरेक्शन में, फिर उसमें जो डेविएशन आता है वो चेक किया। वो डेविएशन कितना चाहिए देखो, अगर आपका डेविएशन 0.02 आता है, अगर 500 mm तक तो ठीक है, फिर 0.3 है 100 mm तक, 100 mm के अगर आप 0.04 के अंदर आता है तो ये आपका पैरेललिज्म ओके है। ठीक है, अगर लेकिन आपका ये जो टेबल है, टेबल आपका स्ट्रेट नहीं है, उसमें कुछ जैसे टी स्लॉट वगैरह रहते हैं, अगर वैसे है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्ट्रेट एज रखनी पड़ेगी, और स्ट्रेट एज के ऊपर आपको क्या करना, आपका डायल इंडिकेटर टच करना पड़ेगा और फिर टेबल का आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, पैरेललिज्म ऑफ द क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द वर्क टेबल इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसवर्स मूवमेंट देखना है। ट्रांसवर्स मूवमेंट मैंने बताया था, ये टेबल है, ये लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट होगा, ये जो है मूवमेंट ये ट्रांसवर्स मूवमेंट है। अभी इसके लिए मैंने क्या किया कि जो नीचे का सरफेस था जहाँ पे मैं जॉब माउंट करता हूँ वहाँ पे मैंने वी ब्लॉक या फ्लैट बेस रखा, और जो मेरा डायल इंडिकेटर का पॉइंट है वही ने क्या किया यहाँ पे मैंड्रिल को फिक्स किया। मैंने यहाँ पे नाम दे दो आप मैंड्रिल, एक्चुअली आपका यहाँ पे क्या होता है आरबार होता है, मैंने यहाँ पे मैंड्रिल लगाया है। मैंड्रिल मतलब क्या, कम्प्लीटली परफेक्ट सिलेंडर रहता है। फिर मैंने टेबल, पहली बात तो क्या किया, पहले मीन पोजीशन में लाया। मीन पोजीशन मतलब क्या, जिसका जितना उसका ट्रैवल है उसके बीच में एक सेंटर पोजीशन में लाया, फिर फ्लैट बेस यहाँ पे रखा और पॉइंटर यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद ये जो टेबल है, ये टेबल की मूवमेंट क्या करूँगा मैं, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, तो ये मूवमेंट का डेविएशन कितना होना चाहिए, 0.02 होना चाहिए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपका जो टेबल का जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है क्लैंपिंग सरफेस का वो कैसा है वो पता चलेगा। ऐसे ये दोनों केसेस थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।